आखिरी बात यह डराना बंद कर दो कि मजहब हमने रामायण दिखा दिया, हमने महाभारत दिखा दिया, हमने सबको दिखा दिया, तुम्हारा भी मजहब डिस्कस होगा, हिंदुस्तान में डिस्कस होगा। और ये ना, ये जान लो, ये पाकिस्तान नहीं है। जो इस मानसिकता के लोग थे वो आज तुम दीपक चौरसिया को डरा रहे हो कि तुम मजहब के बारे में, तुमने मजहब में डिस्कशन होगा, कुरान के हर आयत पे, कुरान के हर आयत पे वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा। अपने को तैयार कर लो, कर्बला में अली का कत्ल कैसे हुआ था उसका भी डिस्कशन होगा, सब होगा। और अली के कत्ल हुआ था कैसे, कैसे मालिक गनीमत की लूट होती है, कैसे औरतों की बात होती है, ये सब डिस्कस होगा। और अगर तुमको ताकत नहीं है अपनी अकल पे आ जाओ, चले जाओ, उसके व्यवहार करो, उसके खिलाफ फतवा इशू कर दो जाके, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ डिस्कशन होगा, यहाँ डिबेट होगा, कुरान की हर आयत पे होगा, हर शख्स पे होगा, मालिक गनीमत पर होगा, जिहाद पे होगा, जजिया पे होगा। तुम यहाँ डरा रहे हो 1400 साल से डरा डरा के, यहाँ ये पर हिंदुस्तान का नेशन बिल्डिंग, यहाँ पर तुम्हारे जो होगा तुम्हारे नैरेटिव पे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी मुसलमान बनो। सिंह साहब के पास चलते क्या? सिंह साहब, मस्जिदों का आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर? और क्या जो विजय कुमार जी ट्रेंड बता रहे हैं जिसको 1% बोल रही है इफ्रा, क्या ये आपके कान नहीं खड़े करता है एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट? नहीं, आपने कश्मीर की तो अभी बात की, अभी फिलहाल जो ये किशनगंज और ये नॉर्थ दिनाजपुर में जो हुआ है उसकी घटना की भी तो बात करें, जिसमें वो इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार SHO जो थे उनका कत्ल हुआ, मस्जिद से अनाउंस किया गया कि उनको पीट पीट कर मार दिया जाए, वाहन भी वहाँ दिनाजपुर जी। तो देखिए, ये कहना कि ये कश्मीर तक है और कश्मीर की सारी बात तो आपको इन्होंने बता दी। भाई आज जो आपके पैनलिस्ट कश्मीर से आए हुए हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, दोनों कश्मीरी हैं, लेकिन देखिए कश्मीरियत में कितनी दूरी है। एक आपके सुशील पंडित साहब हैं, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और ये बाकी लोग हैं। आप इनकी भाषा और इनके अध्यात्म, आप ये अध्यात्म का जो स्तर है वो भी आपके सामने आ रहा है, कौन कैसा शक्ल से दिखता है वो भी आपके सामने आ रहा है। कोई ये कहे कि 90 में ये कोई बात हुई कि 370 हटा, तो क्या वाले 370 हटने के बाद 10 लाख लोगों को नागरिकता मिली? क्या आपने ठेका ले रखा है? क्या आपने ठेका ले रखा है कि आप क्योंकि इस्लाम में कन्वर्ट कर गए इसलिए सारी नागरिकता का ठेका आपके पास है, और सारी कश्मीरियत को आपने ठुकरा दिया? सुशील पंडित को आज गाली देते हो, सुशील पंडित का क्या कसूर था? मैं जब सुशील पंडित की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे कश्मीरी हिंदूज की बात कर रहा हूँ। क्या था उसने, सुशील पंडित ने दो रुपये चावल के लिए अपना मजहब नहीं बदला? और आज आपके यहाँ कौन है, आपके मस्जिदों में ये मौलवी कौन है? ये यूपी और बिहार के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया। सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़ा मैंने बात जब बोल रही आप बोल रही थी तो मैंने मन नहीं बोला। और दूसरी बात सुनिए सच बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मजहब को हर समय टूटता है। आप मजहब के पीछे मत लीजिए, हमारे मजहब के अलावा कुछ किया आपने कभी? फतवा लगा दे ना, एक मिनट इफ्तिकार जी, आपकी बात सुनिए, बिना टोके आपकी बात सुनिए, आपको सिंह साहब की बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना काउंटर कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। सिंह साहब बोलिए अपनी, मेरी बात सुनो, सुनो धर्मा, जब तुम कश्मीर के नहीं हुए, तुम अपने धर्म के नहीं हुए, तो तुमने कभी आरएसएस की बात किसके मोहम्मद साहब के खाक होने? तुम चुप रहो, सुनो मेरी बात सुनो, अरे चुप करो, मेरी बात सुनो, मेरे नबी के खिलाफ बोलोगे तो मेरी बात, पहले तो अपनी जवाब संभालो, अपने घर के अंदर में लगाना, एक गंदी जिहादी दीवान, तुमने मेरे मजहब के खिलाफ कैसे बोला? अरे सुनो,
तुम इस्लाम के खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के मजहब के खिलाफ, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, मजहब अरे जब तुम कश्मीर का नहीं हुए, जब तुम अपने बाप का नहीं हुए, तुम तुम्हारा अरे तुम मजहब का खाक होगे, तुम जब अपने बाप का नहीं हुए, तुम अपने मजहब के खाक होगे तो अरे इस्लाम I'm going to go to the hospital.